बच्चों आज जिस पोएम की हम शुरुआत करने वाले हैं उसका नाम है नो मैन आर फॉरेन। तो चलो करते हैं इस पोएम की शुरुआत। रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज। क्या बोल रहा है कवि? वो बोल रहा है कि याद रखना कोई भी आदमी स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है। नो कंट्रीज़ फॉरेन, और ना ही कोई कंट्री फॉरेन है, यानी कि अलग है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। सारी यूनिफॉर्म्स के अंदर, वर्दियों के अंदर, वर्दियों के बीनीथ यानी नीचे, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, एक ही शरीर श्वास लेता है। यानी कि हम सब, चाहे कोई भी वर्दी पहने हो, पर हम सब के क्या है अंदर एक ही श्वास हम सब लेते हैं। Like us, the land our brother walks upon is earth like this in which we shall all lie. हमारी ही तरह, जहाँ पर क्या है वो जो धरती है जहाँ पर हमारे भाई लोग वॉक करते हैं, चलते हैं, is earth like this, वो ऐसी ही पृथ्वी है, in which we shall all lie, जहाँ पर हम सब lie करेंगे, दफन करेंगे। तो बच्चों कवि बताना चाह रहा है कि कोई भी और देश के लोग हों या देशवासी कोई भी हो, वो हमसे अलग नहीं हैं। हम सब एक ही धरती पर चलते हैं और एक ही धरती के अंदर हम सब दफन होंगे। तो यहाँ पे हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट शब्द पढ़े हैं, देखिए रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब है अजनबी। फिर है बीनीथ, बीनीथ यानी कि नीचे। यूनिफॉर्म्स यानी कि वस्त्र। ब्रीथ्स यानी कि श्वास लेना। लाए, लाए यानी कि दफन रहेंगे, दफन होंगे। They too aware of sun and air and water. तो बाकी सब ये जो लोग हैं वो भी क्या है, अवेयर हैं सूरज, हवा और वाटर को लेकर। अवेयर है का मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अवेयर का मतलब है अनुभव करते हैं। तो ये जो सभी लोग हैं, जो बाकी सभी हमारे भाई बहन हैं बाकी देशों के, वो क्या करते हैं उसी प्रकार से सूरज, हवा और पानी को अनुभव करते हैं। Are fed by peaceful harvest, by wars, long winter starved। और उसी प्रकार से वो शांतिपूर्ण जो हार्वेस्ट होती है, जो उपज होती है वो खाते हैं, और युद्ध के समय क्या रहते हैं, युद्ध के समय जो लंबा शीतकाल होता है तब वो भूखे रहते हैं। Their hands are ours and in their lines we read। उनके हाथ हमारे ही हाथ है और उन्हीं की रेखाएं हम पढ़ते हैं। A labor not different from our own। और उनका जो परिश्रम है वो हमारे परिश्रम से अलग नहीं है। यानी कि हर देश के लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, सारे जो इंसान हैं वो उसी प्रकार से अनुभव करते हैं सूरज को, हवा को, पानी को, और उसी प्रकार से परिश्रम करते हैं जिस प्रकार से हम लोग। तो क्या क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट शब्द हैं देखिए। सबसे पहला है अवेयर। अवेयर यानी कि अनुभव करना। फिर है स्टाफ, स्टार्व्ड यानी कि भूखे रहते हैं। फिर है लेबर, लेबर यानी कि परिश्रम। रिमेंबर दे हैव आइज लाइक आस दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। और क्या बता रहे हैं वो कवि? कवि बोल रहे हैं कि याद रखना उनकी आंखें भी हमारी ही जैसे होती हैं जब वो उठती हैं। यानी कि हम उठते हैं, हमारी जैसी आंखें वैसी ही उनकी आंखें हैं। और स्लीप, चाहे हम सोएं तब भी उनकी आंखें वैसी ही हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वॉन बाय लव। और उनके अंदर वो ताकत है जो कि जीती जा सकती है प्रेम से। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम से आप किसी भी ताकत को, किसी भी व्यक्ति को जीत सकते हैं, अपना बना सकते हैं। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। हर धरती पर, हर लैंड पर यानी हर ज़मीन पर, चाहे वो किसी भी देश की हो, एक आम जिंदगी ही जीती है बच्चों। यानी कि हर वहाँ पे, हर धरती पर, हर ज़मीन पर, हर देश की क्या होता है, एक ही प्रकार का जीवन चल रहा होता है। दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज, जो कि हर व्यक्ति पहचान सकता है, एंड अंडरस्टैंड, और समझ सकता है। तो यहाँ पे क्या क्या शब्द हैं देखिए। पहला है रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानना। Let us remember whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray and comment। तो क्या बोल रहे हैं कवि? वो बता रहे हैं कि हमें याद रखना चाहिए, whenever we are told, जब भी हमें बोला जाता है, to hate our brothers, कि हम नफ़रत करें अपने भाइयों से, यानी कि सभी देशों के लोगों से। हमें अगर बोला जाता है कि भाई उस देश के व्यक्ति से नफरत करना है, तो याद रखना अगर हम ऐसा करते हैं इट इज़ अवर सेल्स, तो हम खुद से ही नफरत कर रहे हैं। दैट वी शैल डिस्पोजेस बिट्रे एंड कंडेम। और क्या कर रहे हैं, ये हम खुद के साथ ही कर रहे हैं डिस्पोज, खुद को ही वंचित कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं और कंडेम कर रहे हैं, बुरा बता रहे हैं। यानी कि अपने भाइयों से अगर हमें नफरत करने को बोला जा रहा है, सारे जो पृथ्वी निवासी हैं उनसे नफरत करने को बोला जा रहा है, इसका मतलब हम खुद को ही धोखा कर रहे हैं, खुद को ही बुरा बना रहे हैं। रिमेंबर वी हु टेक्स आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, हम लोग जो हथियार उठा लेते हैं एक दूसरे के खिलाफ। अब आगे क्या कर रहे हैं बच्चों, कवि क्या बोलना चाहते हैं वो अभी हम जानते हैं, पहले ये जो तीन शब्द हैं इन्हें रिवाइज करते हैं। सबसे पहला है डिस्पोजेस, डिस्पोजेस यानी कि वंचित करना। फिर है बिट्रे, बिट्रे यानी कि धोखा देना। फिर आता है कंडेम, कंडेम यानी कि बुरा बताना। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। तो बच्चों याद रखिएगा, अगर हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं तो हम इस पृथ्वी को ही डिफाइल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपवित्र कर रहे हैं। और हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरीच द इनोसेंस, हम ये जो नरक बना देते हैं उससे क्या हो जाता है, आउटरीच द इनोसेंस, वो अत्याचार करता है निर्दोषों पर। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर ऑफ आवर ओन, और उस हवा में भी क्या फैला देता है, अत्याचार जो कि हमारी अपनी है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्री इज स्ट्रेंज, तो याद रखना कोई भी आदमी अजनबी नहीं है और कोई भी देश फॉरेन नहीं है, अलग नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या हमने पढ़े हैं मीनिंग्स देखिए। सबसे पहला है डिफाइल, डिफाइल यानी कि अपवित्र करना। फिर है हेल्स यानी कि नरक। फिर आता है आउटरेज, आउटरेज यानी कि अत्याचार। फिर है इनोसेंस, इनोसेंस मतलब निर्दोष या फिर अबोध। तो बच्चों कवि ये बोलना चाह रहा है कि भाई आप कहीं पर भी रहो, जो बाकी देश के लोग हैं वो आपके भाई ही हैं, वो अजनबी नहीं है, वो इसी प्रकार से सांस लेते हैं, इसी प्रकार से जगते हैं, सोते हैं जैसे कि आप, और वो उसी प्रकार से परिश्रम कर रहे हैं जैसे कि आप लोग करते हैं। और अगर आपको बोला जाता है आप एक दूसरे से नफरत करें, एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाएं, तो आपको याद रखना होगा कि आप वो नफरत खुद के साथ कर रहे हैं और ऐसी नफरत में आप पृथ्वी को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं बच्चों, और निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो बच्चों अब मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे इस पोएम के क्वेश्चन आंसर्स। बने रहिएगा मेरे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।